चौहान है, मैं ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूं और यहां आज गौतम बुद्ध नगर में हम लोग पल्स परिवार के पीड़ित लोगों की समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और प्रधानमंत्री महोदय को और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे, जिसमें मैं जानकारी ये देना चाहूँगा कि सन 1983 से गवर्नमेंट के सेबी और एमसीए डिपार्टमेंट से लाइसेंस प्राप्त करके एक कंपनी का शुभारंभ किया गया था, जिसके मालिक थे निर्मल सिंह भंगू जो पंजाब से थे। उसको गवर्नमेंट ने सभी डिपार्टमेंट जो उससे एक कंपनी से रिलेटेड जो भी लाइसेंस जहाँ से मिलना होता है वहाँ से दिया गया था। उसके बाद कंपनी ने 33 साल तक वर्क किया मार्केट के अंदर, भूमि सुधार का काम किया, जिसमें वो तीन तरह से भूमि का सुधार काम कर रही थी, एक तो एग्रीकल्चर के लिए, एक रेजिडेंशियल के लिए और कॉमर्शियल के लिए। उसके बाद कस्टमर्स के लिए जो है एक योजनाएं थी उनके पास थोड़े थोड़े समय के लिए जो निवेश करने वाले थे, तो लोगों ने निवेश किया। 33 साल तक कंपनी ने लोगों को पैसा दिया, लोगों से पैसा लिया, बराबर लेन देन चल रहा था। लेकिन 2014 में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, इन्होंने सेबी को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए और अधिकार का प्रयोग करते हुए सेबी ने कंपनी को बंद कर दिया।